दोस्तों, कैमरा एक इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गया एक स्मार्टफोन में। कभी कभी तो पहले कैमरा के बारे में लोग पूछते हैं, उसके बाद में बाकी के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं ये पूछते हैं। ऑब्वियसली इतने सारे फोटो निकालने आ जाते हैं और स्पेशली सेल्फी वगैरह तो कितने सारे लोग निकालते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई आपके लिए एक वीडियो बना दूं एंड बता दूं कि सबसे अच्छे कैमरा स्मार्टफोन्स कौन से हैं 10,000 के नीचे। याद रखिए, जब हमने ये जो लिस्ट बनाई है, रैंकिंग बनाई है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने कैमरा को दिया है, लेकिन बाकी के सब स्पेसिफिकेशंस भी देखे हुए हैं। यस, कैमरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट परफॉर्मेंस, और उसके बाद में बाकी सब। इस हिसाब से लिस्ट बनाई हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको ये लिस्ट बताने से पहले या फिर रैंकिंग बताने से पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। पांचवें नंबर पे आता है Redmi Note 7S। यस, Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर है, लेकिन अगर कैमरा के पास देखते हो तो डुअल कैमराज है, 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर है, एंड ओवरऑल दोस्तों ये जो 48 मेगापिक्सल के सेंसर है, दे हैव मैच्योर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी तो ऐसे होता है कि 64 मेगापिक्सल का सेंसर 48 मेगापिक्सल के सामने थोड़ा मार खा जाता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं, ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं, उसके लिए टाइम लगता है। सो आई डेफिनेटली से नोट 7 इवन विथ 660 प्रोसेसर, मैं कहूंगा ये पांचवें नंबर पे डेफिनेटली आता है। और हाँ दोस्तों, जो भी फोन्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके देखिए। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है अभी जो लॉन्च हुआ है Infinix S5 Pro। दिस इज द चीपेस्ट पॉपअप सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन अंडर 10,000। जी हाँ, इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन किया हुआ है, जरूर देखिएगा। ओवरऑल दोस्तों, मुझे अच्छा लगा इसका जो कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ, आगे 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है, 6.53 इंच की FHD प्लस स्क्रीन है, 4000 मिली एम्पीयर की बैटरी है, 10,000 के नीचे इसकी प्राइस है। द रीजन वाई इट इज़ ऑन फोर्थ, अगर इसका प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता था तो वो शायद तीसरे दूसरे पहले नंबर पर भी हो सकता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेसर P35 Helio P35 थोड़ा वीक प्रोसेसर है, जिसकी वजह से हमारी लिस्ट पे आता है चौथे नंबर पे। बट आई टेल यू व्हाट, अगर आपको एक पॉपअप सेल्फी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन लुक एट Infinix S5 Pro। वैसे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक डोंट फॉरगेट। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो भी पांच फोन्स मैंने बताए हुए हैं, सभी में सैमसंग सेंसर है, एक्सेप्ट दिस वन जो तीसरे नंबर पे आता है, Redmi Note 7 Pro। यस, इसमें IMX586 का सेंसर है, विच आई थिंक इज रियली रियली गुड। तो एंड इसमें प्रोसेसर भी Qualcomm Snapdragon 675 का है, आगे और पीछे दोनों तरफ ग्लास बैक है, सो ओवरऑल दिस इज अ ग्रेट फोन, 9999 है। अगर परफॉर्मेंस भी आपको इंपॉर्टेंट होगा तो जरूर देखिए। द रीजन वाई इट इज ऑन द थर्ड इज बिकॉज इसमें सिर्फ डुअल कैमराज है पीछे की तरफ, 48 मेगापिक्सल सोनी का सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का है। अगर इसमें ट्रिपल या क्वाड कैमरा सेटअप होता था, दिस वुड हैव बीन डेफिनेटली नंबर वन, लेकिन ये है नंबर 3 पे बिकॉज ऑफ दैट डुअल कैमरास एट द बैक। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है Realme 5S, और आप पूछते हो क्यों आता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है, सैमसंग का सेंसर है, लेकिन 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी भी है, Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर है। जैसे मैंने बताया, कैमरा को हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और मेरे हिसाब से Realme के जो फोन्स होते हैं, जनरली उनके जो कैमराज होते हैं, फोटोज वगैरह अच्छे निकालते हैं, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट डायनेमिक रेंज अच्छी होती है, तो जरूर आप देख सकते हो Realme 5S के पास, अगर आपको 10,000 के नीचे एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए। लेकिन दोस्तों, इट इज स्टिल नॉट द नंबर वन, द नंबर वन फोन विथ बेस्ट कैमरा सेटअप एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस और बाकी सब इज Redmi Note 8। जी हाँ, ये 10,500 में मिलता है, लेकिन जब ऑफर्स वगैरह होंगे तो डेफिनेटली आपको 10,000 के नीचे मिल जाएगा। इसमें भी 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, FHD प्लस स्क्रीन है, दिखने को अच्छा है, आगे और पीछे ग्लास फ्रंट एंड बैक है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, बैटरी, अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इसमें भी 665 का प्रोसेसर आता है, एंड ओवरऑल आई रियली लाइक, आई मीन अगर एक ऑलराउंड फोन देखें विथ कैमरा एज द हाईलाइट, तो मैं कहूँगा Redmi Note 8 इज द विनर ऑफ अंडर 10,000 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन। तो यस दोस्तों, मैंने तो मेरे पिक्स जो है, मेरे जो रैंकिंग है वो बता दी है, अभी आपको बताना है कि आपकी रैंकिंग कैसी होगी। डू यू अग्री विथ इट, तो नीचे जाके कमेंट्स में बताइए। अगर आप नहीं अग्री करते हो तो आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए वो भी जरूर बताइएगा विथ योर रीजंस फॉर इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बोलना कोई भी बोल सकता है। वैसे फिर से दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग। भाई क्या है, 3GB 32GB, डोके तो यही ना 5S के पास।